हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और मैं आज साथ में ही आपको बताऊंगा स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन दोनों पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। बात करने से पहले दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें अपना चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क एक्सपर्ट्स। मैं नहीं चाहता आप एक भी वीडियो मिस करें। 500 टू 600 वीडियोज आने वाले हैं रिगार्डिंग बिलिंग इंजीनियर। लाइक कमेंट शेयर जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं। केवल और केवल आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में यूनिट कन्वर्जिशन की, तो क्या करना है आपको। देखिए, फिर चाहे वो आप स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में करें, फिर चाहे आप स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल आपको याद क्या रखना है, 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर फीट होता है आपका, ये आपको याद रखना है, तो आप कर पाएंगे यूनिट कन्वर्जिशन। इसके अगर आपने याद नहीं किया, इसके अलावा कोई चांस नहीं है यूनिट कन्वर्जिशन करने का। तो देखिए, मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ, अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी क्या तरीका है। देखिए, एक मीटर में आपका कितना फीट रहता है, 3.281 फीट रहता है आपका एक मीटर में। यहीं से हम निकालेंगे कि एक स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट रहते हैं। तो देखिए, एक मीटर में आपका 3.281 फीट रहता है, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना रहेगा। देखिए, यहाँ पर सिंगल 1 मीटर है, 1 मीटर × 1 मीटर, ऐसे ही आपको मालूम है 1 मीटर × 1 मीटर आपका हो गया 1 मीटर स्क्वायर, क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें 3.281 × 3.281, 1 मीटर में आपका 3.281 फीट होता है, 1 मीटर में आपका 3.281 फीट होता है, तो आप 3.281 का 3.281 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 10.76 स्क्वायर फीट 1 स्क्वायर मीटर में। इस वैल्यू को आप याद कर लें, 1 स्क्वायर मीटर में आपका 10.76 स्क्वायर फीट रहता है, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। एक मीटर में आपका 3.281 फीट रहता है, 3.281 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 10.76 आपका निकल कर आएगा। अब देखिए ट्रिक क्या है, जब भी आप मीटर स्क्वायर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे, यानी स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10.76 का। अगर आप स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको डिवाइड देना है 10.76 का। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप इसे अच्छे से समझ लें, ठीक है। 1 मीटर में आपका रहता है 3.281 फीट, 1 स्क्वायर मीटर में रहता है आपका 10.76 स्क्वायर फीट। कैसे निकल कर आया, 3.28 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10.76 निकल कर आया। ट्रिक्स क्या थी हमारी, जब भी हम मीटर स्क्वायर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 का, और जब भी हम स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड देंगे 10.76 का। देखिए, यही मैंने लिखा हुआ है, जब भी हम मीटर स्क्वायर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 का, और जब भी हम स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इधर से इधर कन्वर्ट करेंगे, तो हम डिवाइड देंगे 10.76 का। तो देखिए, हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल, 5 स्क्वायर मीटर है आपके पास, उसे आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, यानी स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। 5 स्क्वायर मीटर × 10.76 स्क्वायर फीट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे ना आप इसे। अगर मुझे लिखना है 10.76 स्क्वायर फीट पर मीटर स्क्वायर में होते हैं, तो मैं इस टाइप से ही लिखूंगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल कर कितना आएगा, 53.8 स्क्वायर फीट, यानी 5 स्क्वायर मीटर में आपके 53.8 स्क्वायर फीट होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, देखिए 150 स्क्वायर मीटर है आपके, इसमें कितने स्क्वायर फीट होंगे, यानी 150 स्क्वायर मीटर हैं आपके, इसमें कितने स्क्वायर फीट होंगे। तो देखिए, हमें क्या करना है, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 का। सेम यही प्रोसीजर इधर करेंगे, तो 150 स्क्वायर मीटर में 10.76 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, केवल बचा हमारे पास स्क्वायर फीट, तो हमारे पास जो निकल कर आया 1614 स्क्वायर फीट आपके होते हैं 150 स्क्वायर मीटर में। अगर हम बात करें स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर की, सपोज करिए आपको मैंने दे दिया यहाँ पे आपके पास हैं 53.8 स्क्वायर फीट, अब इसे कन्वर्ट करना है स्क्वायर मीटर में, तो हम क्या करेंगे, 53.8 में डिवाइड लगाएंगे 10.76 का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। जब भी हम स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड लगाएंगे 10.76 का, फिर चाहे वो 1614 स्क्वायर फीट क्यों ना हो, क्लियर। 1614 स्क्वायर फीट में आप डिवाइड लगाएंगे 10.76 का, तो आपका निकल कर आएगा 150 स्क्वायर मीटर। ऐसे ही अगर हम बात करें 53.8 में 10.76 का डिवाइड लगाएंगे, तो आपका 5 स्क्वायर मीटर निकल कर आएगा। अगर आप
कोई भी प्रॉब्लम है यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब अभी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।